तो मोदी सरकार ने 2019 में रेलवे के जरिए 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था। दिए कितने ये तो मालूम नहीं, लेकिन इस खबर जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं उसके हिसाब से 1.5 लाख नौकरी खत्म कर दी गई। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में देश के कई हिस्सों में रेलवे भर्ती में नियुक्तियों को लेकर करोड़ों युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इतनी ज्यादा संख्या में रेलवे पदों को खत्म करने का फैसला क्या युवाओं के घाव पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? आपको लगता कुणाल कोहली साहब, रेलवे में सारी देश की सारी भी हमारी नौकरियां रेलवे में है कोहली जी? कहीं नहीं है, कोई बच्चे बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। 130 करोड़ जनसंख्या को आपने फीड करना अगर हो तो हमारे में से लोग आएंगे जो कोई ना कोई काम करेंगे। आप आ जाते हो चाय पकौड़े बेचेंगे। 72,000 पदों को सरेंडर कर दिया गया, मतलब समझ रहे हैं आप? सर 72,000 पदों को भरने के लिए सैलरी भी देनी पड़ेगी आपको। सरकार के पास पैसा कहां से आएगा जब जैसी पुरानी सरकारों ने जो इस देशवासियों के ऊपर बर्डन छोड़ के चले गए? अच्छा, कहां से आएगा पैसा? आप भर्ती करा के उनको तनख्वाह नहीं देंगे? आपने मुझे कहा कि भाई सैलरी देनी पड़ेगी और इतना पैसा कहां से आएगा, इसलिए नौकरी खत्म कर दी। लेकिन मेरा सवाल, नौकरी खत्म नहीं करी, मोदी जी की बात को समझिए। पिछले 8 साल से मोदी जी चला चला के सब बच्चों को और सब इनके पेरेंट्स को बोल रहे हैं अपने बच्चों को त्याग करिए दूसरे विकल्प के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने 2019 में रेलवे के जरिए 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था। मैं सही हूं? आपने कहा कि पैसे देने पड़ते हैं, सैलरी देनी पड़ती है, तो फिर उसको भी समझिए ना। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 2019 में रेलवे के जरिए 4 लाख नौकरी देने का वादा किया था। दिए कितने गए मैं नहीं जानता, उसका आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। आपके पास होगा तो बड़ा सौभाग्यशाली होगा देश, उसका आंकड़ा भी दीजिएगा। लेकिन इस खबर के अनुसार 1.5 लाख नौकरियां खत्म कर दी जा रही है। मैं ये प्रश्न लेकर आया हूं, ये प्रश्न है मेरा, प्लीज कंटिन्यू। हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्टेट से आए थे, गुजरात से, और ये देश पूरा एक जो चल रहा था एक टाइम पे, जो मिली जुली सरकारों से चल रहा था, उसकी व्यवस्था आप समझ सकते थे उस समय क्या था, जिस समय की आप बात कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने कुर्सी संभाली तो उन्होंने आके, जब आप सिस्टम में आते हैं एक देश, एक स्टेट के सिस्टम से वो देश के सिस्टम में आए, उन्होंने जब रियलाइजेशन करा कि क्या क्या चीजें हमारे पास, जो कौन से पद थे जो भरने थे, जो 2019 में 4 लाख नौकरी देने की बात की थी उसमें कितनी नौकरी दे पाए? चावला साहब मुझे बोलने दीजिए सर, रेलवे में कितनी नौकरी? सर आपने 2019 में कहा कि हम 4 लाख नौकरी देंगे तो उसमें से कितनी दे पाए? 2014 में 4 लाख नौकरियां थी, कांग्रेस ने क्यों नहीं दे दी? सर कांग्रेस क्यों? कांग्रेस सत्ता में होती थी, बड़ी सक्षम पार्टी थी। सर 1.5 लाख नौकरी की बात कर रहा हूँ, तो मैं 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहा हूँ। 1.5 लाख 4 लाख आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ। आपने मुझसे प्रश्न पूछा जब मोदी जी आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा मैं 4 लाख नौकरियां दूंगा। उन्होंने 2 करोड़ कहा था। उत्तर रेलवे ने हाँ जी 9,000 से अधिक पद सरेंडर किए। साउथ रेलवे ने 4,677 पद को सरेंडर किया। ईस्टर्न रेलवे ने 5,700 पदों को खत्म किया। रेलवे बोर्ड की मंजूरी के बाद 10,000 पदों को खत्म और भी किया जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर इनकी संख्या करीब 1 लाख के आसपास पहुंच सकती है। आपने 2 करोड़ का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा, आप इस बात को समझिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, मैं 2 करोड़ जो आप लोगों ने रोजगार देने की बात कही मैं उसका जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ 1.5 लाख का जिक्र कर रहा हूं सर, सिर्फ 1.5 लाख का। और इसमें से 4 लाख नौकरी देने का वादा आपने 2019 में किया था। प्लीज कंटिन्यू। शायद मेरे ख्याल से 2 करोड़ नौकरियां रेलवे में का वादा किया था, मैं क्लियर करना चाह रहा था चावला सर। आप ये कह रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियां रेलवे में देनी थी क्या? मैं रेलवे की बात ही नहीं की, मैं 2 करोड़ नौकरी का बात कर रहा था। आपने रेलवे में कहा था, देनी थी, मैं प्रश्न को क्लियर कहा था मेरे को नौकरी क्या कह रहे थे हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि 2 करोड़ रोजगार, रोजगार जी, रोजगार। आप 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, फर्क अंतर है सर, रोजगार में बहुत चीजें आती है। आपकी बात समझ गया, यानी आप 2 करोड़ रोजगार है, रोजगार में बिजनेस आता है, रोजगार में नौकरियां आती है। जिसने कहा 2 करोड़ लोगों को रोजगार, यानी इस मुताबिक 8 साल में 16 करोड़ रोजगार आपने लोगों को पकड़ पकड़ कर दिया है, ठीक?
आप मुझे ये समझा रहे हैं? देने का वादा था और देने का वादा आज भी है। नहीं नहीं, दिया है आपने। देश को जब आप आते हो सब, आज सारे देश के लोग युवा को आपने प्रिपेयर ऐसे कर दिया, कांग्रेस ने दिमाग में डाल दिया कि अगर नौकरी है तो वो सरकारी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर ये देश में परीक्षाएं क्यों होती है सरकारी नौकरी के लिए? एक हमारा कारपेंटर की भी इज्जत होती है। ये सरकारी, मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश में फिर ये परीक्षाएं क्यों हो रही है? तो फिर परीक्षाएं बंद होनी चाहिए, सब सरकारी नौकरी है ही नहीं। तो सर देखिए, एक्सट्रीम की बात है, आप इतने समझदार, मैं आपके साथ कितनी डिबेट्स में बैठा, मुझे बड़ा मजा आता है बिकॉज आप कहीं पे भी नहीं चुकते हमारी कच्चाई करने के लिए, एंड मजा भी आता है उसमें। बट देखिए, ये हम एक्सट्रीम बातें कभी नहीं करते थे चावला साहब, आपने बड़ा बैलेंस बात, हमारी सरकारों ने बताया ही हमारे यूथ को कि अगर आप होना ही तब हो जब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं तो बेकार हो, आपका पैदा होना ही खराब, इस देश में एक जिल्लत है आपको सरकारी नौकरी नहीं है। तो मिला के आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम नौकरियां खत्म करेंगे, सरकारी नौकरी जो है वो खत्म करेंगे और सरकारी नौकरी मत मांगो। मोदी जी प्रिपेयर करेंगे इस यूथ को। लाइव में कमेंट आया, बेरोजगारी खत्म करने का अचूक फॉर्मूला, पद खत्म कर दो रोजगार खत्म, ना रहेगी नौकरी, पद ही खत्म कर दो।